वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये है कल वाले व्लॉग का सेकंड पार्ट। आप सभी को बताया था मैंने और दिखाया भी था कि मैं तैयारियां कर रही हूँ इडली सांभर बनाने की। तो सब्जियां वगैरह जो थी, जो प्रिपरेशन करनी थी, वो तो सारी हो गई, बस बनाना बचा है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं और आप सभी को आज खिलाते हैं इडली सांभर। तो सब्जियां जो कट की है मैंने, अच्छे से वॉश भी कर ली थी, बस उन्हें कुकर में डाल दिया सीधा। पहले एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ना प्याज फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने, जब वो प्याज अच्छे से फ्राई हो गया ना, उसके बाद मैंने सारी सब्जियां और जो दाल ली थी, दाल भी धुल के डाल दी है। कुल मिलाकर के मैंने सब चीज़ें एक साथ में ऐड की हैं, और सांभर मसाला ले लिया है। सांभर मसाला मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ना थोड़ा सा नमक और हल्दी, ये दो चीज़ें जो हैं वो बाद में अलग से ऐड की हैं। तो बस पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा बहुत ही डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि सब्जियां जो हैं वो पानी के नीचे तक ही बराबर में रहें, बहुत ऊपर तक नहीं रहें। तो सांभर जो है वो मैंने चढ़ा दिया है, और आयना को मैंने भेजा था नीचे करी पत्ता लाने के लिए, तो वो लेकर के आ गई है। काफ़ी मतलब इसको ट्राई करना पड़ा तोड़ने के लिए, बिकॉज मैंने इससे कहा था कि छोटी छोटी पत्तियां जो ऊपर लगी होती हैं वो तोड़ के आना, तो बहुत ट्राई कर रही थी और नीचे से तोड़ रही थी। फिर मैं बालकनी से उसे समझा रही थी, एक्चुअली पार्क में ही है, सामने जस्ट है करी पत्ता का पेड़, तो वहीं से हम लोग ले लेते हैं। तो वो लेकर के आ गई है फाइनली, क्योंकि क्या है ना, करी पत्ता अगर डाल देते हैं तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। करी पत्ता नहीं भी डालेंगे तो भी बन तो जाएगा, लेकिन जो टेस्ट होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो, जैसे इसमें ऐड करने, जैसे हम लोग ढोकला बनाते हैं तो उसमें भी अगर करी पत्ता डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और नहीं डालते हैं तो कुछ कमी सी लगती है। तो इसीलिए मैंने फिर सांभर और चटनी के लिए मैंने मंगा लिया था। तो बस देखिए, मैंने ना अभी थोड़ी सी मूंगफलियाँ जो थी वो मैंने फ्राई करी हैं, और मैंने उसी कढ़ाई में कर लिया था जिसमें चावल फ्राई किए थे ना, उसी में ही मैंने थोड़ी सी मूंगफलियाँ ले ली हैं। और चटनी के लिए मैंने ले लिया है वो जो गरी होता है ना, कसी हुई गरी, वो ले ली है। साथ में थोड़ी मिर्च डाल दी है, धनिया पत्ती डाल दी है, बस इतनी सी चीज़ें इसमें पड़ती हैं। और मूंगफली जो फ्राई की थी वो, तो चटनी देखिए मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और इसमें ना मैंने पीसा है जब, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर करके ही पीसा है, बिकॉज ऐसे नहीं पीसता है, और थोड़ा पतली भी चाहिए, एकदम थिक नहीं खा पाता है कोई। तो चटनी रेडी, सांभर भी रेडी, बस इसमें बचा है तड़का लगाना, तो तड़का मैं लगा लेती हूँ, देन उसके बाद इडलियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तड़के के लिए मैंने ये वाला पैन ले लिया है, इसको काफ़ी मैंने कूटा हुआ है तो ये पिचक गया चारों तरफ से। फिर उसके, इसमें मैंने देखिए डाला क्या है, तेल डाला है सरसों का, सूखी हुई लाल मिर्च डाली है, राई डाली है, देन करी पत्ता, एकदम फ्रेश करी पत्ता ऐड कर दिया है। बस चटकने तक इसको थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद फिर दोनों में, सांभर में, चटनी में डाल देंगे, तो सब रेडी हो गया। साथ में मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया है। धनिया पत्ता डालने से क्या है ना, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगता है, थोड़ा अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। और चटनी भी देखिए रेडी है। जो बैटर था मैंने काफ़ी पहले से घोल करके अच्छे से रखा था, लेकिन काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद वो थिक लग रहा था। और होता क्या है ना, थिक अगर बैटर हो तो इडलियाँ उतनी सॉफ्ट नहीं बनती हैं। तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी दोबारा से ऐड करा है, और उसको अच्छे से दोबारा फेंट लिया है। अब ये जो बैटर है बहुत परफेक्ट है इडलियों के लिए। तो अब बस इसमें जो इडली का ये है स्टैंड, उसमें मैंने थोड़ा ऑयलिंग की हुई है ताकि इडलियाँ चिपके नहीं। और कुकर जो है, उसी कुकर में मैंने बनाया था सांभर, तो सांभर मैंने दूसरे बोल में ले लिया है, और उसमें मैंने साफ़ करके पानी थोड़ा सा नीचे रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि ये स्टीम होगा तो पानी पहले से ही रख दिया है। तब तक मैं इसमें सारी जो इडलियाँ हैं और जो स्टैंड है उसको सेट कर दे रही हूँ। में कुछ 12 इडलियां जो हैं वो बन के रेडी हो जाएंगी। तो पानी भी हो गया गर्म, अभी बस इस स्टैंड को इसके अंदर डालना है, और कुकर को सीटी नहीं लगाना है, बस ऐसे ही ऊपर से ढक दिया है, गैस को स्लो कर दिया है, और इस बैटर को अभी ढक करके रख देती हूँ, बिकॉज इसमें लगने वाला है कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे लगे थे। और इडलियां मैंने चेक कर ली है चाकू की हेल्प से, ऐसे ही मैं चेक करती हूँ, अगर चाकू इसके अंदर डालो और एकदम क्लीन निकल आया तो समझिए आपकी इडलियां जो है वो परफेक्टली कुक्ड हो गई हैं। तो बस देख सकते हैं आपकी कितनी ईजिली निकल रही हैं, और ऑयल की वजह से, अगर हम ऑयल नहीं लगाते तो कहीं ना कहीं ये टूट जाती निकालने में, और उतना अच्छे से नहीं निकलती। खैर अच्छी बन गई हैं,
तो बस अब मैं करूँगी सर्व, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, सब लोग बहुत भूखे हैं और मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा इडली फेवरेट है, और जब भूख लगी हो तब तो और मन करता है अच्छे से खाने का। तो बस लगा दे रही हूँ, और अभी हस्बैंड नहीं खा रहे हैं, वो एक्चुअली छुट्टी होती है ना तो बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, तो अभी वो नहीं खाएंगे फ़िलहाल, और उन्होंने बिरयानी खा ली थी तो भूख भी नहीं है। अभी हम खाएंगे, हम मतलब मैं और आयना ऐसी खाएंगे, तो उनकी फेवरेट प्लेट में मैंने उनके लिए लगा दिया है। वैसे तो वो सांभर खाने नहीं वाली और ये चटनी भी नहीं खाने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी रख दी है, मे बी शायद खाएं। तो बस अपने लिए तो सांभर ले लिया है, मुझे तो बहुत पसंद है। और एक्चुअली पता है आज की जो इडलियां थी ना, इडली सांभर चटनी मतलब सब कुछ ही बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड को तो सिर्फ दाल चावल दे दो, लेकिन आज उन्हें भी बहुत अच्छी लगी, वो भी कह रहे थे सच में बहुत अच्छा बना हुआ है। और उसके बाद ये बताओ आप लोग नई सीट में क्यों बैठ गए आज? क्योंकि हम इस घर के राजा हैं। और ये मैडम अपना हाथ ऐसे क्यों की हुई है? चॉकलेट 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 चूड़ी क्यों पहनी हो इतनी? इसी तुम्हारी चॉकलेट खत्म हो गई। आप रो रहे हो? मेरी तो बची हुई है। आप ही पहन के आओगी तो मैं भी नहीं पहन के आ सकती क्या? आज आए ना यशी ने मुझे पीछे बैठा दिया, मैं पीछे महारानी की तरह बैठ के जा रही हूँ। संडे था, छुट्टी थी हस्बैंड की, तो अभी हम लोग आ गए हैं अपना प्लॉट पे। एक्चुअली हम लोग ना सोच रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है तो बाउंड्री एटलीस्ट करवा दें, तो बस वही देखने के लिए आए थे, और एक अंकल के साथ में आए थे। तो मतलब क्योंकि हम लोग तो यहाँ डेली देखने आ नहीं पाएंगे कि कैसा क्या काम हो रहा है, तो सोच रहे थे कि इनसे बोल देते हैं, तो जो ठेके में जैसे देते हैं ना कि ये अपना करवा देंगे, तो बस वही बातचीत हम लोग करने के लिए आए थे यहाँ पे। उसके बाद फिर 8 बजे तक हम लोग घर आ गए थे, तो आज ना मैच भी था, तो हस्बैंड तो एकदम कोना पकड़ के बैठ गए हैं मैच देखने के लिए, बोल रहे हैं मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। और मैं फिर लग गई साफ़ सफाइयों में, रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, और हम लोग ना अचानक से गए, एक्चुअली अचानक से ऐसे मूड बन गया, आना कहने लगी चलो घूमने चलते हैं, तो फिर हम लोग उनको घुमाने के साथ साथ वहाँ प्लॉट भी चले गए थे, तो साफ़ भी नहीं कर पाई थी मैं घर, और घर काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो बस आ करके सीधे लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और चाय भी बनाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अब मेरा चाय पीने का काफ़ी मन हो रहा है, बाहर से आती हूँ ना, एक्चुअली मेरे को शाम को चाय पीने की आदत भी है ना, तो बस जा रही हूँ चाय बनाने। लेकिन उससे पहले इन लोग को पढ़ाई करा दूँ, क्योंकि इन लोगों ने ना पहले भी नहीं पढ़ा हुआ है, और आज ट्यूशन भी नहीं गई संडे की वजह से, तो इनको थोड़ा वर्क दे दूँगी ना, तो आराम से मैं अपना किचन का जो है वो काम कर पाऊँगी। एक बार घर के काम पकड़ लो ना, तो उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलता है। अब मैंने तो सोचा था बस रूम थोड़ा सा सही कर देती हूँ और इन लोग को पढ़ा देती हूँ, लेकिन उसके बाद तो मैं लगी गई हूँ बराबर। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, फिर लगता है कि यहाँ का भी कर लो, वहाँ का भी कर लो, वहाँ का भी कर लो, और बच्चों के घर में तो कहीं पर साफ रह ही नहीं सकता। तो बस अब लग गई हूँ, चाय जब मेरी बनेगी तब बनेगी। वैसे अगर सबके लिए बनानी होती ना तो मैं पहले चाय ही बना लेती, लेकिन मुझे अपने लिए बनानी है ना, और मुझे लगता है सब हाउसवाइफ्स का यही होता होगा, अगर उनको अपने लिए कुछ करना होता है ना तो वो आलस कर जाती हैं, लेकिन घर के काम वो पहले करती है। तो बस यहाँ पे कपड़े काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे बाहर के, और कल है मंडे, तो इन लोग की ड्रेसेस जो थी वो भी यहीं पे पड़ी हुई हैं, तो बाकी कपड़े तो मैं आराम से हटाती रहूँगी, अभी मैंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है, बस इनकी जो ड्रेस है ना वो अलग कर दी है, क्योंकि उसमें अभी मुझे करना होगा आयरन, तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पड़े रहेंगे फिर मॉर्निंग में, तो इतना जल्दी हड़बड़ी का काम होता है ना, तो मिलेगा भी नहीं, भले सामने ही रखी होंगी ड्रेस, लेकिन अगर नहीं रखेंगे रात में तो वो मिलने वाली भी नहीं है। तो उसे मैं ड्रेस को अभी करूँगी आयरन, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। सांभर जो था वो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं आके अब यहाँ पे गर्म कर रही हूँ, नहीं ख़राब हो जाएगा, साथ में कुछ बर्तन वगैरह हैं वो भी सेट कर दे रही हूँ। बाकी भी किचन के जो हैं काम सारे हो गए, बॉटल वगैरह वॉश करनी थी, जो पानी वाला है उसे भी मुझे वॉश करना था, किचन साफ़ करनी थी, तो सब हो गया है। अभी मैं आलू चढ़ा रही हूँ मॉर्निंग के लिए, जब बच्चों के लिए कुछ बनाना होता है ना तो मैं रात में ही आलू जो है वो बॉईल करके रख देती हूँ, जैसे जीरा आलू बनाना हुआ या आलू के पराठे हुए तो ईजी रहता है, मॉर्निंग में बाई चांस लेट हो रहा हो तो आलू कम से कम रखे हुए रहते हैं ना बॉईल किए, तो बहुत आसान रहता है। बस फिर आयरन कर रही हूँ यहाँ पे कपड़ों में,
और चाय भी मैंने बना ली है फाइनली। अब जाके चाय बनी है मेरी, तो अब मैं आयरन करते करते साथ में ही चाय भी पीती जा रही हूँ। और आज मैं यहाँ रूम में बैठ के आयरन कर रही हूँ, वैसे तो मंदिर के पास करती हूँ लेकिन आज यहाँ बैठी हूँ क्योंकि गर्मी लगने लगी थी काफ़ी। और आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।